Hello everyone, welcome to class number 58 of the chapter Data Structure. So, aaj ke class ka hamara discussion ka topic hai pop operation in stack using array. So, last class mein humne discuss kiya tha ki hum push operation kaise perform kar sakte hain stack mein array ko use karke. Aaj ke class mein hum discuss karenge ki hum pop operation kaise perform kar sakte hain stack mein array ko use karke. So, pop operation matlab kya? Jis process mein hum kya kar sakte hain ek particular stack se कोई भी डाटा एलिमेंट को रिमूव या फिर डिलीट कर सकते हैं ओके उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉप ऑपरेशन द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डाटा एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक इज नोन एज पॉप ऑपरेशन इस प्रोसेस से हम क्या कर सकते हैं हम एक पर्टिकुलर स्टैक से कोई भी डाटा एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉप ऑपरेशन ओके तो एरे में क्या होता है अगर हम एरे यूज करके पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वहां पे एक्चुअली हम डाटा को रिमूव नहीं करते या फिर डाटा को डिलीट नहीं करते तो जैसे कि स्टैक कैसे होता है ऐसे ही होता है स्टैक ओके तो सपोज स्टैक में हमने डाटा स्टोर किया 10 20 30 40 50 ओके तो अगर मैं इस एलिमेंट को डिलीट करना चाहता हूं तो इसका मतलब एक्चुअल में मैं इस एलिमेंट को डिलीट नहीं करता या फिर यहां पे एलोकेट किए गए मेमोरी को मैं फ्री नहीं करता ओके तो स्टैक को हम ऐसे भी मतलब एरे यूज करके अगर हम कोई स्टैक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो स्टैक नॉर्मली ऐसे होता है ओके तो पहला डाटा 10 फिर 20 फिर 30 फिर 40 फिर 50 मतलब टॉप किसको पॉइंट कर रहा है 50 को तो यहां पे हम क्या करेंगे सिर्फ टॉप का वैल्यू अगर डिक्रीमेंट कर देंगे तो वो उसके नीचे वाला जो एलिमेंट है उसको पॉइंट करेगा ऊपर वाले एलिमेंट को स्किप कर देगा सिंपली वो जो एलिमेंट हमारा है जिस एलिमेंट को हम रिमूव करना चाहते हैं वो एलिमेंट एक्चुअल को रिमूव नहीं करता वो क्या करता है टॉप का वैल्यू बस डिक्रीमेंट कर देता है और उसके लोअर पोजीशन में जो न्यू नेक्स्ट वैल्यू है उसको वो पॉइंट करता है ऊपर वाले एलिमेंट को छोड़ देके ताकि हमें लगता है ऐसा कि वो एलिमेंट हमारे मेमोरी से डिलीट हो चुका है बट एक्चुअल में वो मेमोरी से डिलीट नहीं हुआ होता है अगर हम एरे को यूज करके पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो बट अगर हम लिंक्ड लिस्ट यूज करके ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो लिंक्ड लिस्ट में हम मेमोरी डायनेमिकली एलोकेट करते हैं तो अगर लिंक्ड लिस्ट यूज करके हम पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वहां पे हम जिस डाटा एलिमेंट को रिमूव करना चाहते हैं एक्चुअल में वो क्या करता है उस पर्टिकुलर डाटा एलिमेंट के लिए एलोकेट किया गया मेमोरी को डीएलोकेट कर देते हैं या फिर उसको डिलीट कर देते हैं बट एरे यूज करके अगर हम पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो वो मेमोरी डीएलोकेट नहीं होता वो मेमोरी वहीं पे होता है बस हम क्या करते हैं टॉप का वैल्यू डिक्रीमेंट कर देते हैं ताकि वो उसके नीचे जो नेक्स्ट वैल्यू है उसको वो पॉइंट करे ओके तो जबकि हम यहाँ पे एरे को यूज करके पॉप ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करने वाले हैं उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो यहाँ पे एक्चुअल में हमारा जो एलिमेंट है वो रिमूव नहीं होता डिलीट नहीं होता बस टॉप का वैल्यू डिक्रीमेंट करके उसके नीचे जो एलिमेंट है उसको हम पॉइंट करते हैं ओके तो डिफरेंट स्टेप्स को हमें फॉलो करना पड़ता है जब हम पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं एक स्टैक में फर्स्ट हम चेक करेंगे कि हमारा स्टैक एम्प्टी है या नहीं जब आप डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो फर्स्ट आप चेक करोगे कि एलिमेंट ऑलरेडी उसमें है या नहीं ओके तो अगर वहां पे स्टैक में कुछ भी एलिमेंट नहीं है स्टैक अगर एम्प्टी है तो वहां पे वो एरर प्रोड्यूस करेगा और उसके बाद एग्जिट कर देगा तो एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान में देना है कि अगर एक पर्टिकुलर स्टैक में अगर आप इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करते हो न्यू डाटा इंसर्ट करते हो तो वहां पे अगर स्टैक फुल है तो वहां पे जो कंडीशन अराइज होता है उसको हम बोलते हैं ओवरफ्लो ओके जैसे कि एक पानी के टंकी में अगर पानी पूरा फुल है वहां पे अगर आप फिर से पानी इंसर्ट करने की कोशिश करोगे तो ओवरफ्लो होगा ओके या फिर सपोज एक टंकी है जिसमें कुछ भी नहीं है और आप वहां से पानी निकालना चाहते हो तो उस सिचुएशन को हम बोलते हैं अंडरफ्लो ओके वैसे ही एक स्टैक में कुछ भी एलिमेंट नहीं है फिर भी अगर आप वहां से कुछ डिलीट करना चाहते हो तो वहां पे अंडरफ्लो कंडीशन अराइज होगा मतलब एरर प्रोड्यूस करेगा क्योंकि वहां पे कुछ एलिमेंट है ही नहीं तो हम डिलीट कैसे करें और एग्जिट कर देगा हमारे ऑपरेशन को बट अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है स्टैक में अगर कुछ एलिमेंट है जैसे कि हमने इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म किया था तो वहां पे पहले हमने इंसर्ट किया था 10 फिर हमने इंसर्ट किया था 20 और हमारा टॉप जो है वो पॉइंट कर रहा है यहाँ पे 20 को ओके तो अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है जैसे कि यहाँ पे स्टैक एम्प्टी नहीं है आप देख सकते हो तो वो क्या करेगा एक्सेस द डाटा एलिमेंट एट विच टॉप इज पॉइंटिंग टॉप जिसको पॉइंट कर रहा है उसके एलिमेंट को एक्सेस करेगा ओके मतलब उसको हम प्रिंट करना चाहते हैं कुछ करना चाहते हैं कर सकते हैं इजिली उसके बाद हम क्या करेंगे डिक्रीज कर देंगे टॉप का वैल्यू एरे में हम क्या करते हैं मैंने बोला था एरे में हम क्या करते हैं टॉप का वैल्यू डिक्रीज कर देते हैं एक्चुअल में हम मेमोरी डीएलोकेट नहीं करते ओके तो टॉप अभी पॉइंट करेगा इसको
ओके, तो टॉप का वैल्यू क्या हो गया, टॉप का वैल्यू अभी हो गया 0, जो कि टॉप का वैल्यू पहले क्या था, टॉप का वैल्यू पहले था 1। तो इसका मतलब हम जबकि उसके नीचे वाले एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं, इसको पॉइंट नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हम यूजर को ये दिखा रहे हैं कि हमने टॉप मोस्ट एलिमेंट जो था उसको हमने डिलीट सक्सेसफुली कर लिया है। ओके, तो एल्गोरिदम क्या है, एल्गोरिदम ये है कि पहले हम चेक करेंगे टॉप का वैल्यू कहीं -1 तो नहीं है, अगर टॉप का वैल्यू -1 है, ओके, इसका मतलब यहाँ पे टॉप इक्वल्स टू -1 होगा जब हम कंपेयर करते हैं, तो टॉप इक्वल्स टू -1 अगर है तो अंडरफ्लो कंडीशन अराइज होगा, मतलब स्टैक एम्प्टी है, और तब वो क्या करेगा, एग्जिट कर देगा, ऑपरेशन को आगे और परफॉर्म नहीं करेगा क्योंकि वहां पे कुछ एलिमेंट है ही नहीं। उसके बाद अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो वो क्या करेगा, हमारे टॉप वेरिएबल जिस पर्टिकुलर एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं वहां पे जो एलिमेंट है उसको वो असाइन करेगा डेल एलिमेंट वेरिएबल को। उसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी एक्सेसिंग फैसिलिटी परफॉर्म कर सकते हैं, कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हम क्या करेंगे, जैसे कि सपोज यहाँ पे स्टैक है, स्टैक में टॉप मोस्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है टॉप, ओके, तो उसका वैल्यू क्या है 20, जो कि हमने असाइन किया इसको। अभी हम क्या करेंगे, टॉप का वैल्यू डिक्रीमेंट कर देंगे जो कि नीचे वाला एलिमेंट को क्या करेगा, पॉइंट करेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो एलिमेंट ऊपर था जिसको हमने असाइन किया था इसको, वो टॉप मोस्ट एलिमेंट था, अब उसको हम डिलीट करना चाहते हैं तो उसको अभी हम डिलीट कर देंगे। एक्चुअल में डिलीट तो नहीं करेंगे, उसके नीचे वाला जो एलिमेंट है उसको टॉप के द्वारा पॉइंट करेंगे ताकि यूजर को लगे हमने उसको डिलीट कर लिया है उसका। उसके बाद हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुली खत्म हुआ तो वहां पे एंड करेंगे। ओके, तो सिंपल एग्जांपल क्या है, पहले हम यहाँ पे यूज करेंगे एक वेरिएबल जिसमें हम क्या करेंगे, टॉप मोस्ट एलिमेंट को जो हमारा टॉप पॉइंट कर रहा है वहां पे जो डाटा है उस डाटा को हम क्या करेंगे, रिट्राइव करके स्टोर करके रखेंगे इस वेरिएबल में। पहले हम चेक करेंगे टॉप का वैल्यू कहीं -1 तो नहीं है, अगर -1 है तो वो प्रिंट करेगा स्टैक इज एम्प्टी, अगर नहीं है जंप करके आएगा एल्स ब्लॉक के पास और वहां पे जिस पर्टिकुलर एलिमेंट को पॉइंट कर रहा है हमारा टॉप उस एलिमेंट को असाइन करेगा डाटा को। उसके बाद हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं उस डाटा को लेके ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म किया प्रिंट एफ स्टेटमेंट यूज करके कि परसेंटेज डी इज डिलीटेड, डाटा इज डिलीटेड, तो टॉप मोस्ट एलिमेंट पर डाटा क्या था 20, तो प्रिंट करेगा 20 इज डिलीटेड। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, टॉप के वैल्यू को हम डिक्रीमेंट कर देंगे, टॉप का वैल्यू क्या था 1, डिक्रीमेंट करके उसका वैल्यू हमने कर दिया 0, तो 0 जो टॉप का वैल्यू है उस वक्त यहाँ पे वैल्यू क्या है 10, मतलब यहाँ पे इनडायरेक्टली मतलब सिंपल तरीके से यूजर को हम ये दिखा सकते हैं कि हमने 20 नाम का जो एलिमेंट था हमारे टॉप मोस्ट में हमारे स्टैक में उसको हमने सक्सेसफुली डिलीट कर लिया है। ओके, तो टोटल कंप्लीट प्रोग्राम क्या होगा, तो यहाँ पे नॉर्मली जैसे लास्ट क्लास में हमने पुश ऑपरेशन के लिए प्रोग्राम लिखा था यहाँ पे भी पूरा एग्जैक्टली सेम है, यहाँ पे बस हमने एक एक्स्ट्रा फंक्शन लिया है पॉप फंक्शन, ओके, उसको हमने डिक्लेयर किया और यहाँ पे हमने क्या चेंज किया है, यहां तक तो सेम है डिस्प्ले तक, फिर मैंने यहाँ पे क्या किया पॉप फंक्शन को कॉल किया। तो पहले हमने क्या किया यहाँ पे पुश फंक्शन को कॉल करके जितना एलिमेंट हम इंसर्ट लेना चाहते थे उतना एलिमेंट हमने इंसर्ट कर लिया, इंसर्ट करने के बाद डिस्प्ले फंक्शन को यूज करके हमने डिस्प्ले कर दिया कि उसमें कितना नंबर ऑफ एलिमेंट है। उसके बाद पॉप फंक्शन को कॉल करके हम क्या करेंगे उस पर्टिकुलर स्टैक में जो एलिमेंट है उसको हम डिलीट करेंगे, डिलीट करने के बाद फिर से हम डिस्प्ले करेंगे कि उसमें जो एलिमेंट था वो टॉप मोस्ट एलिमेंट डिलीट हुआ है या नहीं। ओके, तो पुश फंक्शन को पहले कॉल करके हम क्या करेंगे इंसर्ट करेंगे, फिर डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करके प्रिंट करेंगे, ओके, फिर से पॉप फंक्शन को कॉल करके क्या करेंगे पॉप फंक्शन कॉल करके यहाँ पे टॉप मोस्ट एलिमेंट को हम यहाँ से डिलीट करेंगे, डिलीट करने के बाद फिर से हमने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल किया, फिर हम डिस्प्ले फंक्शन को यूज करके डिस्प्ले करेंगे। ओके, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ये आएगा आउटपुट जैसे कि पुश फंक्शन यूज करके हमने कॉल किया तो यहाँ पे पहले इंसर्ट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, इंसर्ट करेंगे, फिर पूछेगा कंटिन्यू करना चाहते हो, अगर 1 इंसर्ट करेंगे तो फिर से इंसर्ट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, जब तक हम 0 इनपुट नहीं करते तब तक वो इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए अलाउ करेगा जब तक वो मैक्सिमम साइज तक नहीं पहुंच जाता। ओके, तो हमने 2 बार इंसर्ट किया यहाँ पे 0 इनपुट के लिए, मतलब हम और इंसर्ट करना नहीं चाहते, तो तब तक डिस्प्ले करेगा क्या 20 10, फिर क्या दिखाएगा पॉप फंक्शन को हमने जबकि कॉल किया तो दिखाएगा 20 इज डिलीटेड 20 डिलीट, फिर स्टेटस क्या दिखाएगा 10, क्योंकि टॉप अभी पॉइंट कर रहा है किसको सेकंड, मतलब जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है उसके नीचे एलिमेंट को, ये ऊपर वाले एलिमेंट को पॉइंट नहीं कर रहा है इसीलिए वो नहीं दिखा रहा। तो यूजर को क्या लगेगा, यूजर को लगेगा कि जो टॉप मोस्ट एलिमेंट था वो डिलीट हो चुका है, पर जबकि हम एरे यूज करके ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो हम वहां पे उसको डिलीट नहीं करते, बस टॉप का वैल्यू हम डिक्रीमेंट करके उसके नीचे जो एलिमेंट है उसको हम पॉइंट करते हैं।
ओके सो पता चला आज की क्लास में हमने डिस्कस किया कि हम पॉप ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं स्टैक में एरे के डाटा स्ट्रक्चर को यूज करके. सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में. आज के लिए इतना ही. थैंक यू.